फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन है, लेट बी वन बराबर वन टू टू माइनस वन एंड बी टू बराबर वन जीरो जीरो वन बी ऑल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। इफ टी आर स्क्वायर टू आर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी बी वन बी टू द मैट्रिक ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बी वन एंड बी टू इज, इनका बी वन और बी टू के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है वो है 4 3 2 -1, देन टी 5 5 इज इक्वल टू है। ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टीवी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था, टीवी मैट्रिक्स दिया हुआ था हमारे पास 4 3 2 -4। अब फिर से टी वन टू को जो फर्स्ट कॉलम है इस फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, अगर और जो बेसिस है 1 0 0 1 के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 1 0 प्लस 2 0 1 और टी और दूसरा क्या था 2 माइनस 1 को लिख सकते हैं 3 1 0 प्लस माइनस 4 0 1 ये लिख सकते हैं इसको। अगर आप इनको ओपन करें तो हमारे पास यही आ जाएगा 4 2 एंड 3 -4। तो इनको कॉलम बाय लिखे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया। नाउ लेट ए बी, ए बी को दो एलिमेंट है हमारे पास, दो ये ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स और इन दोनों के बेसिस के रूप में, तो 1 2 प्लस y 2 -1 इसके रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो एक्स 2x प्लस 2y-y, या यहां से लिख सकते हैं इसको ए बी इनका सम कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y एंड 2x-y, ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से a बराबर हो गए हमारे पास x प्लस 2y एंड b बराबर हो गए हमारे पास 2x-y। अब हमें यहां से x और y की वैल्यू निकाल लिए, तो पहले हम सिर्फ y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब यहां पर अगर हम दोनों को एड कर दें तो एड करने पर हमारे पास आ जाएगा 5x, यानी इस साइड से लिखे तो a प्लस 2b इक्वल टू 5x और यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 5। तो x की वैल्यू फ्रेंड्स ये आ चुकी है, और y की वैल्यू निकालनी है हमें तो यहां से इस इक्वेशन को पहले की तरह लिखते हैं, ये हो गई हमारे पास। अगर सॉरी यहां पे हमने इसको ऐड किया तो x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू निकालने के लिए हमें y की वैल्यू निकालने के लिए फिर x को काटना होगा, तो x को काटने के लिए यहां पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां 4 हो जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास x से x कट जाएगा और ये बच जाएगा 5y इक्वल टू 2a माइनस b या y बराबर 2a-b/5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब x और y की वैल्यू यहां पुट करते हैं हम यहां पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2ab किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम, अब tab डिफाइन कर सकते हैं x t 1 2
प्लस वाई टी टू माइनस वन, ये भी तो इस तरह से था। अब हमने टी ए बी डिफाइन किया, तो टी ए बी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन टी को डिफाइन किया तो टी एक्स तो बाहर आ जाएगा, टी ए इस पे हो गया और इस पे हो गया। अब हमारे पास टी वन टू और टी टू वन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो ये हो गया हमारे पास टी ए बी इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहां से ए प्लस टू बी अपॉन फाइव, ए प्लस टू बी अपॉन फाइव एंड टी वन टू, टी वन टू क्या है फोर एन टू प्लस वाई, वाई की वैल्यू यहां से टू ए माइनस बी अपॉन फाइव, टू ए माइनस बी अपॉन फाइव एंड टी टू माइनस वन की वैल्यू क्या है, टी टू माइनस वन की वैल्यू थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर, ये हो गया हमारे पास। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी हमें क्या चाहिए फाइव फाइव, तो हमें ए और बी की वैल्यू टी फाइव फाइव पुट कर दी हमने, तो यहां से हो गया हमारे पास फाइव प्लस टेन अपॉन फाइव, तो ये थ्री अपॉन थ्री फोर टू, ये हो गया थ्री फोर टू प्लस, यहां पे अगर देखें तो टेन माइनस फाइव तो ये वन हो जाएगा और थ्री माइनस फोर, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास ट्वेल्व टू प्लस थ्री माइनस फोर, अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस टू, 15 माइनस टू, ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फिर ऐसे ही और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आगे निकालेंगे, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।